शेयर करने वाली हूँ कैसे आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं बंगाली स्वीट योगर्ट यानी कि मिष्टी दोई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बंगाली स्वीट योगर्ट और बंगाली मिष्टी दोई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 500 ml दूध। अब इसको 8 से 10 मिनट में अच्छे से बॉईल कर लूँगी। ये अभी उबालना स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा वार्म हो गया है। अब मैं इस स्टेज में मैं यहाँ से थोड़ा सा वार्म दूध इस बाउल पे ले लूँगी। अब मैं फिर से ये दूध को उबालने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैं जो वार्म दूध उन अलग करके रखी थी इसमें मैं ऐड कर दूंगी 2 tsp मिल्क पाउडर। इससे दही का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और दही बहुत अच्छा जम जाता है। अब अच्छे से मैं इसको मिक्स कर दूंगी। देखिए अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। देखिए दूध जो है ऑलरेडी उबालना स्टार्ट कर दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 5 tsp शुगर। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। 8 से 10 मिनट मैंने इसको अच्छे से चला दिया है। अब मैं जो दूध के साथ मिल्क पाउडर मिक्स करके रखी थी वो मैं डाल दूंगी। अब फिर से मैं 5 मिनट इसको अच्छे से चला लूंगी। 5 मिनट हो गया है। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। लेकिन पूरा ठंडा नहीं करना है, वार्म रखना है। ये देखिए देखिए मैं इसमें उंगली डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी 2 tsp कर्ड। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर दूंगी। देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसको ओवरनाइट सेट होने के लिए ढक के रख दूंगी। चलिए ओवरनाइट मैंने इस कर्ड को रख दिया था, अब देख लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से ये सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं इसको हिला रही हूँ फिर भी ये गिर नहीं रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से ये कर्ड जो है सेट हो गया है। आप भी ऐसे ज़रूर अपने घर में कर्ड बनाइए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आज का ये रेसिपी आपको कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।